मणिपुर के इतिहास में पहली बार हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई है। आज पवन हंस ने पहली बार इम्फाल से जिरीबम और जिरीबम से इम्फाल तक अपनी उड़ान शुरू की। जिरीबम में पवन हंस के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के साथ जिरीबम के हरिनगर में नवनिर्मित हेलीपैड पर प्रदेश के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने अपने कैबिनेट मंत्रियों समेत पहले हेलीकॉप्टर टेस्ट ड्राइव को औपचारिक तौर पर लॉन्च किया। मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ आज पवन हंस के हेलीकॉप्टर में सवार होकर जिरीबम से इम्फाल लौटेंगे। इम्फाल से जिरीबम तक हवाई सफर में 35 से 40 मिनट का समय लगता है। रविवार और पब्लिक हॉलीडे के अलावा इम्फाल से जिरीबम और जिरीबम से इम्फाल तक हेलीकॉप्टर सेवा हर दिन उपलब्ध होगी और इसका किराया है प्रति फ्लाइट 3,000 रुपए। You see, Manipur is landlocked and hilly state, and we are requesting to launch to start the helicopter service since the beginning, since the formation of the government last 1.5 years. It will definitely give a convenient and make easy to travel from Jiribam to Imphal. Not only Jiribam to Imphal, we are going to provide service to Moray, Soshanpur, even wherever the necessary, the helicopter service will be provided. So it is a great movement of the state of Manipur. आज पूरे मणिपुर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि मणिपुर में पहली बार हेलीकॉप्टर सर्विस आज से शुरू होने लगा है। आपको देखा होगा मेरे पीछे में आपको पवन हंस के हेलीकॉप्टर दिखाई देंगे। ये पहली बार मणिपुर में यानी इम्फाल से लेकर जिरीबाम, अभी जिरीबाम तक पहुँच चुका है ये पवन हंस हेलीकॉप्टर, और ये जिरीबाम से फिर इम्फाल हवाई अड्डे में फिर वहाँ पर वापस जाएंगे। ये हर दिन सिर्फ संडे और सैटरडे को छोड़ के बाकी दिनों में इसका सर्विस चलता ही रहेगा। ये पहला एक ऐसा कदम है जो मणिपुर में हेलीकॉप्टर सर्विस चालू होने लगा है। केंद्रीय विदेश मंत्री मुबाशिर जावेद अकबर ने नए भारत के निर्माण में महिलाओं को एक मौका देने की वकालत की है। अपर शिलांग के माकलौट गांव में स्वच्छता ही सेवा के तहत चलाए गए सफाई अभियान में हिस्सा लेने के बाद एक बैठक को संबोधित करते हुए अकबर ने कहा कि 130 मिलियन भारतीयों को मुद्रा योजना से लाभ हुआ है और 78 से 80% ऋण महिलाओं के नाम पर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं देश के सबसे कट्टरपंथी बदलाव का स्रोत बन सकती है। उन्होंने खासी संगीत और संस्कृति का जिक्र करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसकी पहुँच ने राज्य को गौरवान्वित किया है। Well, I think it will roll out very, very strongly in Meghalaya because Meghalaya's traditions, as you know, of economic emancipation and equality are so strong and, in fact, a model for the nation. Thank you. Already happening, you can see that the choirs from here are now very much a part of ICCR's international music diplomacy and cultural diplomacy. मिजोरम के मुख्यमंत्री लालथन हावला ने कल डेंगथॉमान इंडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय विश्व बांस दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन भाषण में लालथन हावला ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में बांस की कोई कमी नहीं है और लोगों को इसका उपयोग अपनी आजीविका चलाने के लिए करना चाहिए। विपणन में होने वाली विभिन्न समस्याओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने निवेशकों को पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश करने का निमंत्रण दिया। मिजोरम विश्व बांस दिवस का आयोजन पर्यावरण, वन तथा मौसम परिवर्तन मंत्रालय, डोनर मंत्रालय, इंडिया जर्मनी कोऑपरेशन ने मिलकर किया। इस साल इसका थीम था माय बैम्बू माय वेल्थ। इस मौके पर क्रेताओं और विक्रेताओं की बैठक आयोजित की गई। स्थानीय कलाकारों ने फैशन शो और नृत्य संगीत पेश किए। तेरहवें नागालैंड विधानसभा का द्वितीय वाणिज्यिक सत्र शुरू हो चुका है। इससे पहले सदन में लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। विधानसभा में स्कूली शिक्षा के संबंध में उठाए गए सवाल के जवाब में प्रदेश के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि मार्च 2018 से अब तक 43 अप्रशिक्षित स्नातक और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। शिक्षकों के लिए 39 नए पदों का सृजन हुआ है।
कुल मिलाकर राज्य में 315 प्राथमिक और स्नातक शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। इधर उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री वाई पैटर्न ने ILP के संदर्भ में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जनवरी 2015 से अब तक 11 जिलों में 46,894 परमिट जारी किए जा चुके हैं और अब तक 505 अवैध घुसपैठियों को पकड़ा गया है। To prepare all the required paper before we see the next session. So last assembly budget session to this second session of 13 August House. 6 months time we have already spent. But today we get to see that reports on proceeding of last time House was not laid in time. Because what has taken place in the last August session, the members deserve to know. Then only we proceed to the next house, to the next session. But today we did not see any report on proceeding of last session in the case.